सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एडिट। तो आज की इस नई वीडियो में जो आप लोग कुछ स्टेप ऑफ फोटो एडिटिंग कैसे मैं किया हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको इस बताऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखना गाइस। अगर वीडियो पसंद आता है तो गाइस तो वीडियो फुल वॉच करना, ठीक है। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मेरे वीडियो को, ताकि वो भी अपने फोटो को जो है एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना गाइस, एंड नोटिफिकेशन ऑल में करना, ताकि मेरी हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए। जैसे कि देख ही सकते गाइस, मैंने अपने मॉडल का फोटो को स्नैपचैट ऐप में ओपन कर लिया हूँ। एंड गाइस मैंने पहले से बैकग्राउंड को इरेज कर लिया हूँ, एंड मॉडल का जो हेयर जो है हेयर को भी मैंने सेट कर लिया हूँ। एंड अगर आपको जो है अपने मॉडल का फोटो कटआउट करने नहीं आता है, एंड परफेक्ट तरीके से आप कैसे जो मॉडल को बैकग्राउंड के साथ मैच कर सकते हो, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख लेना। एंड अगर आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने जो पहले से सब कुछ करके रखा है। एंड फोटो को ओपन किया हूँ स्नैपचैट के अंदर, जो मेन काम होता है, ठीक है। तो चलिए फोटो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले आपको ओपन करने के बाद पेन वाला ऑप्शन जाना है, एंड उसके बाद आपको जाना है ट्यून इमेज में। एंड जाने के बाद आपको ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, एंड इसके कंट्रास्ट को डिक्रीज आप अपने फोटो के हिसाब से करना, ठीक है। एंड इसके बाद हल्का सा सेचुरेशन को इंक्रीज करता हूँ, एंड एम्बियंस को लगभग 41 या 40 के आसपास रखना है, आप अपने फोटो के हिसाब से। एंड इसका हाईलाइट को डिक्रीज रखता हूँ, एंड इसका शेडोज को भी इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। एंड लगभग 50 का ऊपर ही रखता हूँ। एंड उसके बाद इसको डन करना होगा, एंड डन करना फिर से आपको पेन वाला ऑप्शन जाना, एंड इस बार आपको जाना डिटेल्स वाला ऑप्शन में। एंड जाने के बाद फर्स्ट स्ट्रक्चर को आपको इसका इंक्रीज करना है, लगभग 26 या 20 के ऊपर ही रखना है, ठीक है। एंड फोटो शार्पनिंग को रखना है 25, एंड उसके बाद फिर से आपको पेन वाला ऑप्शन में जाना है। एंड इसके बाद आपको जाना है टोनल कंट्रास्ट में। एंड जाने के बाद आपका इसका जो हाई टोन है इसका फुल डिग्री से रखना है, एकदम जीरो। एंड मिड टोन को भी आपको फुल जीरो रखना है। एंड उसका जो लो टोन है इसको आपको हल्का सा इंक्रीज करना है, लगभग 50 के ऊपर ही रखना है, ठीक है। 55, 56, 52 इस टाइप से रखना है। उसके बाद इसको डन करना होगा, ओके। एंड डन करना फिर से आपको पीने वाला ऑप्शन जाना है, एंड इसके बाद आपको जाना है इस बार सेलेक्टेड टूल में। एंड जाने के बाद आपने मॉडल का फेस को जूम करना है, एंड फेस में टैप करना है, एंड करने के बाद आपको इस टाइप स्क्रॉल करना है, एंड इसका फेस को वाइट करना, ठीक है। अच्छे तरह से इसको फेस को वाइट करता हूँ। तो मैंने इसका जो वीडियो बना के रखा हूँ, अपने फेस को कैसे वाइट एंड फेस को क्लीन कर सकते हो, तो उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख के सीख लेना, ठीक है। कैसे अपने फेस को स्मूथ एंड जो क्लीन कर सकते हैं, एंड वाइट भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद पेन वाला ऑप्शन जाना है, एंड इसके बाद आपको जाना है HDR स्पेस में। एंड इसके बाद आपको नेचुरल सेलेक्ट करना है, एंड करने के बाद आपको इसका फिल्टर को आपको कम करना 25, एंड इसका ब्राइटनेस को भी हल्का सा कम 21, एंड इसका इस सेचुरेशन को भी डिक्रीज रखना, ठीक है, 22। एंड उसके बाद इसको डन करना होगा, एंड डन करने के बाद आपको व्यू एडिट्स में जाना, एंड फिर व्यू एडिट्स में जाना, एंड HDR में इस पर क्लिक करके जो बीच वाला ऑप्शन आता है ब्रश वाला, उस पर क्लिक करना। एंड करने के बाद आपको इन्वर्ट करना होगा, ठीक है। इसको फुल इन्वर्ट करता हूँ, एंड करने के बाद सिंपल इसको जीरो रखना है। एंड रखने के बाद सिंपली आपको अपने मॉडल का जो फेस है इसको रिमूव करना है, ठीक है। आपको जहाँ जहाँ HDR चाहिए इफेक्ट वहाँ पर आप रखना है। एंड थोड़ा सा मैं जल्दी से कर लेता हूँ। सिंपली आप अपने फोटो का जो मॉडल का आप कपड़ों में रखना, ठीक है। एंड इसके बाद इसको डन करना होगा, एंड डन, ठीक है। एंड बिफोर एंड आफ्टर, एंड उसके बाद पेन वाला ऑप्शन जाना हो, एंड उसके बाद आपको जो क्या करना है, आपको जाना है डिटेल्स वाला ऑप्शन में, एंड इसका हल्का सा स्ट्रक्चर को बढ़ाता हूँ, एंड थोड़ा सा इसको बाद डन करना,